नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण मेरे बचपन के दिन। तो आइए सुनते हैं इस संस्मरण को। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपनों में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का तो कोई वातावरण था ही नहीं। मेरी माता जबलपुर से आई तब वह अपने साथ हिंदी लाई। वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा ही था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। वहां जाना बंद कर दिया और जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था। उस मैस में प्यास तक नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उसमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने मेरे हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझे पकड़ लिया और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। क्रॉथवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे।
हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्वाथवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांद का एक कटोरा मिला था। बड़ा नक्शीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय कवि सम्मेलन में नहीं जाती थी। मैंने उससे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। और वह कहने लगे, अच्छा दिखाओ मुझे। मैंने कटोरा उनकी और बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह है कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, और जाओ। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरों में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जीवनुसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जीवन मेरे बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जीवन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी थी, जीनत बेगम। जीवन जब इकड़े तिकड़े या फिर लोकर लाकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कहती थी तो उस्तानी जी से टोकी बिना ना रहा जाता था। जीवन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जीवन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वह आपस में अवधि बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु हम आपस में अपनी भाषा में ही बात करते थे। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला और जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन में संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था। हम जहाँ रहते थे, जावरा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे।
हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी मुझे, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं पीने देती थी, कहती थी राखी के दिन बहने ही राखी बांध जाए, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बनवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिब ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो हमारा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े लेकर आई थी, हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बहुत सुंदर हैं। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस काउंसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिब ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूं अपने घर में अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती।